उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा। एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में एक छोटी सी मटकी जिसके अंदर मांस के कुछ टुकड़े रखे थे। एक काली रंगत वाली लड़की आगे कदम बढ़ा रही थी। हे भगवान, गुफा का रास्ता तो रात में और भी लंबा महसूस हो रहा है। उसने फिर से अपने मुंह पर चुप्पी साध ली और आगे कदम बढ़ाती रही। तभी भेड़िये के रोने और कुत्ते के भौंकने की आवाज ने उसे और डरा दिया और वो तेज तेज कदम बढ़ाती हुई एक गुफा में पहुंची। अंदर जाने पर दिए की हल्की सी रोशनी से गुफा में थोड़ा उजाला हुआ। उसे सामने एक टीला नजर आ रहा था और एक अजीब सी दिल दहला देने वाली सांसों की आवाजें आ रही थी। उसने दिया और वो मटकी टीले पर रखी और फिर खुद भी अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। उसने रूप रेखा का जाप शुरू किया। अब वो सांसों की आवाजें और तेज होने लगी थी, जिससे उसे पता चल गया कि कोई उसके करीब आ रहा है, लेकिन अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। गुफा की एक दीवार के पीछे से एक भयानक चुड़ैल जिसका चेहरा पूरी तरह जला कटा नजर आ रहा था। आंखें अंगारों जैसी लाल थी, नाखून बहुत ही लंबे थे। वो भी उस लड़की के सामने आकर बैठ गई और उस मटकी से मांस निकालकर खाने लगी। उस लड़की को उसके मुंह के चलने की चबड़ चबड़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आंखें नहीं खोल रही थी। उस चुड़ैल ने सारा मांस खाया और फिर उस लड़की के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसने धीरे से लड़की के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू किया। उसके खुरदुरे हाथ और नुकीले नाखूनों से उस लड़की के चेहरे पर खरोंचे आने लगी और खून भी निकलने लगा। अब उस लड़की से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोल दी और उस चुड़ैल का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। चुड़ैल का चेहरा देखकर लड़की की चीख निकल गई। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ गया। चुड़ैल ने उस लड़की को धक्का दिया, फिर उसके ऊपर आकर उस लड़की का सीना चीर डाला और उसका दिल निकालकर बहुत जोरों से दहाड़ी। एक कार मध्यम गति के साथ सड़क से गुजर रही थी। उसमें बैठा राजवीर ड्राइव कर रहा था। उसके बराबर में श्वेता, पीछे उनका बेटा राहुल और राजवीर की बहन कीर्ति बैठी हुई थी। क्या हुआ श्वेता, तुम्हारा मूड अभी तक खराब क्यों है? और नहीं तो क्या, भांगड़ा करूं? शहर छोड़कर गांव रहने जा रहे हैं। हाँ पापा, और वो भी एक ऐसे गांव में जहाँ हम जैसी फैमिली तो रह ही नहीं सकती। बुआ, आप क्या कहती हो? मैं क्या कहूँगी, गांव हो या शहर, मुझे तो अपना मुँह छिपा कर ही रहना पड़ता है ना। कीर्ति तुम फिक्र मत करो, इंडिया में तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अमेरिका लेकर जाऊंगा। बड़े आए अमेरिका ले जाने वाले, ये बताओ कि हम इस गांव में क्यों जा रहे हैं? शहर से कुछ लड़कियां गायब हुई हैं और उनकी कार उस गांव के जंगली रास्ते पर पाई गई हैं, और उस गांव से लड़कियां गायब होती रहती हैं। इसीलिए कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा कि वहां जाकर मैं कुछ दिन रहूं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करूं। एक घने जंगली रास्ते को पार करने के बाद उनकी कार बेरमपुर गांव में प्रवेश कर गई और कुछ दूर चलने पर एक बड़ी सी कोठी के बाहर उनको एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। आइए साहब, मैं प्रकाश चंद, सरपंच जी ने मुझे आपके स्वागत के लिए भेजा था, यही वो हवेली है जहां आपको रहना है। वो सभी कार से उतरे। घर तो काफी अच्छा है, बस कोई दोस्त होता तो और अच्छा लगता। वो सभी कोठी के अंदर चले गए। राहुल और कीर्ति एक कमरे में ठहर गए और श्वेता और राजवीर दूसरे कमरे में। ये घर तो बहुत ही अच्छा है ना? श्वेता उसको अभी भी गुस्सैल नजरों से देख रही थी।
तभी उसके मोबाइल पर कमिश्नर साहब का कॉल आया। राजवीर, कुछ पता लगा या नहीं? अरे सर, अभी तो मैं गांव पहुंचा ही हूँ, अभी से कैसे कुछ पता चलेगा। ओ अच्छा, घर रहने लायक तो है ना? हाँ है तो सही, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। राजवीर ने कॉल रख दिया और फिर घर से निकल गया। प्रकाश, मेरे साथ आओ। जी साहब। प्रकाश राजवीर के साथ गांव के बसे इलाकों की तरफ चल दिया। अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी कीर्ति उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। राजवीर प्रकाश के साथ एक चौक नुमा जगह पर पहुंचा, जहां कुछ गांव के लोग आग के सामने इधर उधर की बातें कर रहे थे। रामनाथ, ये दरोगा बाबू हैं, शहर से यहाँ तहकीकात करने आए हैं। इनके शहर से भी कुछ लड़कियां गायब हुई हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला दरोगा बाबू। वो सभी लड़कियां गायब नहीं हुई, वो तो अपनी मर्जी से मौत के मुंह में गई हैं। मौत के मुंह में? क्या मतलब? हमारे इस गांव में घने जंगल के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर से रात के समय किसी औरत की रोने चिल्लाने और सांस लेने की आवाजें सुनाई देती हैं। लड़की की नहीं, वो एक चुड़ैल की आवाज है। चुड़ैल की आवाज? क्या आपने उस गुफा के अंदर जाकर देखा है उसको? उस गुफा में गहरा अंधेरा है, अंदर जाने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन लड़कियां वहां हिम्मत करके चली जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं आती। जब वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं है तो लड़कियां वहां जाती क्यों हैं? उस गुफा के बाहर उसकी दीवार पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है बताइए। अरे क्या लिखा है ये जब आप वहां जाएंगे तो खुद ही पढ़ लीजिएगा। राजवीर को गांव के लोगों की बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन उसके मन में उस गुफा को लेकर अब कुछ सवाल उठ रहे थे और ये पता करने के लिए उसने अगले दिन जाना ठीक समझा। दोपहर के समय जब राजवीर घर से निकल रहा था तो श्वेता ने उससे कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप तो इन्वेस्टिगेशन के बहाने घूम लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा ये तो सोचिए। अच्छा तो तुम लोग भी आ जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब श्वेता, राहुल और कीर्ति भी राजवीर के साथ कार में बैठे और फिर गांव की हर छोटी बड़ी जगहों से होते हुए राजवीर ने गाड़ी जंगल की तरफ ले ली। राजवीर, ये आप जंगल में किस जगह जा रहे हैं? गांव वालों का कहना है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, वो उस गुफा के अंदर जाने के बाद हुई हैं। वही देखने जा रहा हूँ। वो लोग गुफा के पास पहुंचे। राजवीर ने गन निकालकर हाथ में पकड़ी और बाहर निकला। तुम लोग कार में ही रहना, ओके? गुफा के अंदर कोई जानवर भी हो सकता है। और गुफा की दीवार के पास जाकर उसे कुछ लिखा हुआ नजर आया। अरे मम्मी, उस वॉल पर कुछ लिखा हुआ है ना? ये सुनकर जब कीर्ति ने भी कार की खिड़की से गुफा की दीवार पर देखा, राजवीर और कीर्ति दोनों ही अब उस दीवार पर लिखी हुई पंक्तियां पढ़ने लगे। इस गुफा के अंदर रूपरेखा नाम की चुड़ैल रहती है, वो सिर्फ रात के समय ही देखी जा सकती है। वो एक श्राप के चलते इस गुफा के अंदर कैद है। अगर कोई लड़की बदसूरत हो और खूबसूरती पाना चाहती हो तो उसे रात के समय अपने एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में एक मटकी में थोड़ा सा मांस लेकर गुफा के अंदर जाना है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एक टीला दिखाई देगा, उसे वो मटकी और दिया टीले पर रख कर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और फिर रूपरेखा का आवाहन करना है। रूपरेखा आकर पहले उस मांस को ग्रहण करेगी और फिर उस लड़की के चेहरे की बदसूरती का इलाज करेगी। चाहे कुछ भी महसूस हो या कुछ भी सुनाई दे, उस लड़की को अपनी आंखें नहीं खोलनी है। सुबह होने से पहले रूपरेखा चुड़ैल उस लड़की का चेहरा खूबसूरत बना देगी, लेकिन अगर उसने किसी भी वजह से इलाज होने से पहले अपनी आंखें खोलकर रूपरेखा का चेहरा देख लिया तो रूपरेखा उसका दिल निकालकर खा जाएगी। ये तो कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है। खैर, गुफा के अंदर जाकर भी देख लेते हैं। राजवीर गुफा के अंदर गया तो उसे वहां टीला नजर आया और कुछ मानव कंकाल की हड्डियां। यहां तो कोई भी नहीं है, ना रूप ना रेखा।
राजवीर चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बाहर निकला और फिर कार में बैठकर वहां से वापस हो लिया। मेरे हिसाब से ये काम किसी लुटेरे गैंग का है, दीवार पर ये बातें भी उन्होंने ही लिखी है। चुड़ैल का डर फैलाकर वो लोग बस लूट मार और खून जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजवीर को पूरा यकीन था कि ये सब चोर लुटेरों का प्लान है, लेकिन पीछे बैठी हुई कीर्ति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात को तकरीबन 10 बजे वो अपने एक हाथ में दिया और दूसरे में चिकन से भरी एक मटकी लेकर निकली। वो हिम्मत करके आगे कदम बढ़ा रही थी। रात के सन्नाटे में कभी जंगली जानवरों की आवाज आती तो कभी कुछ और भयानक आहट, लेकिन उसने अपने कदमों को गुफा के पास जाकर ही रोका। मुझे ये करना ही होगा, वरना जिंदगी भर बदसूरत बनी रहूंगी। ऐसा कहते हुए वो गुफा के अंदर चली गई। उसने टीले पर दिया और मांस की मटकी रखी, उसके बाद आंखें बंद करके योग मुद्रा में बैठ गई और रूपरेखा का जाप करने लगी। सांसों की खौफनाक आवाज सुनने के बाद भी उसने आंखें नहीं खोली। चुड़ैल सामने आई और मटकी में रखे मांस को चबा चबा कर खाने लगी। उसके बाद वो कीर्ति के करीब गई। उसके चेहरे का जो हिस्सा जला हुआ था, उस हिस्से पर वो अपने नाखून से निशान बनाने लगी। कीर्ति के चेहरे पर जलन हो रही थी, तब भी उसने आंखें नहीं खोली। उसके बाद रूपरेखा चुड़ैल ने उसके चेहरे पर फूंक मारी। चारों तरफ एक अजीब सा धुआं छा गया और कीर्ति के कानों में उस चुड़ैल के हंसने की आवाज गूंजने लगी। बरसों बाद आखिर वो हो ही गया जिसका मुझे इंतजार था। सुबह होने पर जब राहुल की आंख खुली और उसने अपने पास लेटी हुई अपनी बुआ का चेहरा देखा तो उसने शोर मचा दिया। कीर्ति बुआ, आप तो खूबसूरत हो गई। उसका शोर सुनकर राजवीर और श्वेता भी जाग उठे और भागकर कमरे में पहुंचे। सामने कीर्ति का खूबसूरत खिला हुआ चेहरा देखकर उनके भी होश उड़ गए। मेरी बहन, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, लेकिन ये हुआ कैसे? वो सब जो गुफा की दीवार पर लिखा था वो सब सच था भैया, रिजल्ट आपके सामने है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं इस बात को अब झुठला नहीं सकता। थैंक यू सो मच भैया, अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं कभी ठीक होती ही नहीं। राजवीर ने कॉल करके ये बात कमिश्नर साहब को बताई तो वो भड़क उठे। मैंने तुम्हें वहाँ केस सॉल्व करने के लिए भेजा था, खुद चुड़ैलों के बारे में कहानियां बनाने के लिए नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब, मेरी बहन, तुम अभी के अभी वापस आ जाओ, मैं वहाँ किसी और इंस्पेक्टर को भेजता हूँ। राजवीर उसी दिन अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल गया। उसे कमिश्नर साहब का जवाब अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन अपनी बहन की लौटी मुस्कान को देखकर वो बहुत खुश था। शहर वापस आने के बाद अब कीर्ति अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगी थी। उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी। कुछ दिन बाद रात के 2 बजे राजवीर का फोन बजा। हेलो तलपड़े, क्या हुआ? सर, एक लड़की की लाश मिली है और अजीब बात यह है कि उसके सीने से दिल गायब है। ये सुनकर राजवीर के चेहरे का रंग उड़ सा गया और उसे गुफा की दीवार पर लिखी बातें याद आने लगी। कीर्ति के साथ आगे क्या होगा? वो लाश किस लड़की की है और क्या राज है उस गुफा के अंदर बसने वाली रूपरेखा चुड़ैल का? इन सभी खौफनाक रहस्यों से पर्दा हटेगा इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में। बज रहे थे। सुंदर वन की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर बहुत से यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर रितेश नाम का एक यात्री झुंझला कर बोला,
ये क्या कह रहे हो ड्राइवर? 5 मिनट में हम सब सुंदरवन पहुंच जाएंगे, बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगलों के बीचों बीच? अरे भाई साहब, हम सब की भलाई इसी में है। सुंदरवन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? पहाड़ी इलाकों में तो अक्सर टनल होती है ना, भला उस टनल से तुम्हारा बस रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, वो टनल भूतिया है, मौत की भूल भुलैया कहते हैं उसे। सैकड़ों यात्री उस टनल के अंधेरों में खो गए जो आज तक नहीं मिले, और जो कुछ यात्री मिले भी तो बेहद भयानक अवस्था में। किसी का सर गायब मिलता है, तो किसी का दिल गायब मिलता है, तो केवल किसी का कंकाल। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अरे ये बकवास बातें नहीं है साहब, सब सच्ची बातें हैं, लेकिन तुम शहरी लोग पता नहीं क्यों इन बातों को नहीं मानते। तभी वो पूरा इलाका किसी भयानक आवाज से थर्रा उठा। सभी यात्रियों के चेहरे पर डर के भाव लहराने लगे। मेरी बात मानो साहब, जान है तो जहान है। अरे जंगल में सब जानवर एक साथ होकर आपस में लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की आवाजों का शोर उत्पन्न हो जाता है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लगता है सुंदरवन पहली बार आए हो। मैं सुंदरवन गांव का ही रहने वाला हूँ बेटा। कंडक्टर और ड्राइवर की बात सही है, इन बातों पर विश्वास करो। देखो सारे यात्री इन दोनों की बात से सहमत हैं। सारे यात्री गलत नहीं हो सकते बेटा। अगर सारे यात्री चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सही हैं। एनीवे, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, तो मैं इस जगह पर 2 घंटे बिल्कुल नहीं बिताने वाला। कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रितेश ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर पैदल ही निकल गया। रितेश के पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, मगर वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? क्या और कोई भी है यहाँ पर? मगर रितेश की आवाज टनल में ही गूंज कर रह गई। टनल में उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। रितेश को बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। रितेश ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और वो दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। रितेश समझ गया कि टनल का रास्ता खत्म होने वाला है। तभी एक भारी आवाज रितेश के कान में टकराई। रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर रितेश के पांव अपनी जगह जम गए और वो टॉर्च की रोशनी में आगे पीछे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी उसकी निगाह टनल के एक अंधेरे कोने पर पड़ी जहां पर कोई खड़ा हुआ था, जिसकी लाल लाल रक्त जैसी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। डर की वजह से ही रितेश के हाथ पांव फूल गए। तभी उसकी नाक से एक असहनीय दुर्गंध टकराई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा ही था कि तभी वो आंखें उसके बहुत करीब आ गईं। रितेश की दिल दहला देने वाली चीख उस अंधेरी टनल में गूंज गई। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली। रागिनी अपने दोस्त राहुल और दिशा के साथ बैठी हुई थी। रागिनी का उदास चेहरा देखकर दिशा रागिनी से बोली, कब तक ऐसी उदास रहोगी रागिनी? रितेश की मौत का हम सबको बहुत दुख है। हाँ दिशा, सही कह रही है रागिनी, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे सुंदरवन के जंगलों के फोटो खींच कर लाने थे, मगर मैंने उसे अपने बदले भेज दिया। अगर मैं उसे सुंदरवन जाने के लिए नहीं बोलती तो आज वो जिंदा होता। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर रितेश की लाश सुंदरवन के पास जंगल के कुएं के अंदर कैसे मिली? यही सोच सोच कर मैं पागल हुई जा रही हूँ दिशा। पुलिस के मुताबिक रितेश सुंदरवन से 5 किलोमीटर दूर पहले उतर गया था,
और सारे यात्रियों ने उसे सुंदरवन की ओर जाते देखा भी था। समझ में नहीं आता फिर उसकी लाश सुंदरवन से 20 किलोमीटर पीछे उस जंगल के कुएं में कैसे मिली। मैंने सुना है कि सुंदरवन जाने का रास्ता जिस टनल से होते हुए जाता है वो टनल भूतिया है। कहते हैं वहाँ पर अक्सर यात्री गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को चेतावनी भी दी थी मगर रितेश ने उनकी बात नहीं मानी। What nonsense, राहुल? विश्वास तो नहीं करता दिशा, लेकिन जिस तरह से रितेश की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है उससे मैं काफी कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज सुंदरवन जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ आदमी जाता तो जिंदा है मगर उसकी लाश उसके 20 किलोमीटर दूर पीछे कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी दिशा, हम दोनों दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएंगे। राहुल सही कह रहा है रागिनी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दिशा और रागिनी राहुल की कार में बैठ गई और राहुल ने अपनी कार सुंदरवन की ओर दौड़ा दी। वो तीनों अपनी कार से बाहर निकल आए। उन तीनों के हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च थी। तभी उन तीनों के कानों में उस टनल के अंदर किसी की चीख टकराई। चीख सुनकर रागिनी बुरी तरह से चौंक गई। ये चीख तो रितेश की है। राहुल जो यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था कपकपाते हुए बोला, ये चीखे तो रितेश की ही हैं और रितेश को मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं हम लोग रात के वक्त इस टनल के अंदर जाने की गलती तो नहीं कर रहे? दिन में तो यहाँ पर रोड चालू हो जाता है। रितेश की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें रात में ही इस टनल के अंदर घुसना होगा। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं। राहुल दिशा और रागिनी अपनी कार के अंदर दोबारा बैठ गए। राहुल ने तेज स्पीड में कार दौड़ा दी मगर उसकी कार टनल के अंदर कुछ ही दूर चली थी कि अचानक कार की हेडलाइट्स बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। गाड़ी रोको राहुल! राहुल ने तुरंत पैर से ब्रेक दबा दिए। अरे यार अब ये कार को क्या हो गया, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी उन तीनों को बहुत दूर से एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। अचानक तीनों के कानों में रितेश की आवाज टकराई, रुक जाओ। उन तीनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद उन सब के शरीर उस अंधेरे में तीनों को नजर आने लगे। वो सब बहुत भयानक दिखने वाले मुर्दे थे जो राहुल दिशा और रागिनी को खाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन भयानक चेहरों में राहुल भी एक भयानक मुस्कान लिए हुए उन तीनों की ओर देख रहा था। भागो यहां से! राहुल के इतना बोलते ही दिशा और रागिनी राहुल के साथ भागने लगी। उसने एक ही झटके में राहुल को पकड़कर दबोच लिया और अपने पंजे उसकी गर्दन में घुसेड़ दिए। राहुल की दिल दहला देने वाली चीख टनल में गूंज गई। भागना जारी रखो रागिनी, उन सब ने लगता है राहुल को खत्म कर दिया। लेकिन राहुल अगर हम दोनों भी यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। दिशा और रागिनी पूरे शरीर की ताकत लगाकर वहाँ से अंधेरे में भागने लगी। उन्हें नहीं पता था कि वो अंधेरे में किस दिशा की ओर भागे जा रही थी। तभी दोनों को उस टनल में एक द्वार नजर आया जिसके अंदर लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ था। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो जमीन की गहराइयों में उतरती जा रही हूँ। अचानक उन दोनों का शरीर पानी से टकराया। उन दोनों के हाथ में अभी टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में
जब उन दोनों ने आसपास देखा तो उन दोनों ने पाया कि वो एक प्राचीन बड़े से कुएं के अंदर थी। ये हम कहाँ आ गए? ये तो बहुत पुराना प्राचीन कुआं लगता है रागिनी। रितेश की लाश शायद इसी कुएं से बरामद हुई थी। दिशा ने इतना बोला ही था कि तभी राहुल की लाश उन दोनों के ऊपर से कुएं में आकर गिर गई। कोई है क्या? हमें यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। तभी उन दोनों के कानों में कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज टकराई। घबराओ मत, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम दोनों इसे पकड़ कर ऊपर आ जाओ, लेकिन जल्दी करना। कुछ ही क्षणों में एक मोटी रस्सी उन दोनों के सामने लटक रही थी। दिशा और रागिनी उस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उन दोनों के सामने एक बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति अजीब से अंदाज में उन्हें देख रहा था। तुम दोनों इस कुएं के अंदर कैसे आई? इस जंगल में तो कोई नहीं आता और यहाँ का कुआं शापित है। यहाँ अक्सर मुसाफिरों के कटे फटे शव मिलते हैं। रागिनी एक ही सांस में सारी घटना उस बूढ़े व्यक्ति को बताने लगी। समझ गया, तुम्हारा दोस्त उस भूतिया रहस्यमय टनल का शिकार हुआ था। कि उस टनल के अंदर अर्ध पुरुष का राज है। अर्ध पुरुष? क्या कहना चाहते हैं आप? आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ये खंडहर वीरान नहीं थे, बल्कि यहाँ पर एक गांव बसा हुआ था, जिसे आज के लोग पुराने सुंदरवन के नाम से जानते हैं। उस समय सुंदरवन के गांव के वासी इसी गांव के कुएं में पानी पिया करते थे। कहते हैं कि गांव के मुखिया में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका आधा हिस्सा इंसानों जैसा था और आधा हिस्सा अजीब से दिखने वाले किसी जानवर की तरह। सभी गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उनका मानना था कि मुखिया भगवान का नहीं बल्कि शैतान का पुजारी था। मुखिया के घर में किसी इंसान ने नहीं, एक शैतान ने जन्म लिया था। उस बच्चे को गांव के लोग डर की वजह से अर्ध पुरुष के नाम से जानते थे। जवान होकर उस अर्ध पुरुष ने गांव के ही लोगों को मार कर खाना शुरू कर दिया। उस दौर में वो टनल एक गुफा थी। वो गांव के लोगों को उस गुफा में मार कर खा जाता और उनकी हड्डियों को इसी कुएं में फेंक देता। जब गांव में अंग्रेजों का आना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने गांव के विकास के लिए उसी गुफा को काट कर एक टनल बना दिया। जब कुछ मजदूर उस गुफा को काट कर टनल के रूप में तैयार कर रहे थे, तभी वो अर्ध पुरुष उन सबको मार कर खा गया। अंग्रेजों ने क्रोधित होकर उस अर्ध पुरुष को उसी टनल में जिंदा जला दिया। जब उसे अंग्रेजों ने जिंदा जलाया था, वो रात का समय था। तब से आज भी रात के समय वो उस टनल में अपने शिकार का इंतजार करता है और वो जिन लोगों को मार कर खाता है, उनकी आत्माएं उसके वश में आ जाती हैं। हमने तो सुना था कि यह टनल हॉन्टेड है, लेकिन इतनी बारीक जानकारी आपको कैसे मिली? दिशा की बात सुनकर वो बूढ़ा रहस्यमयी नजरों से दिशा की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि वो अर्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी कुएं के अंदर से बहुत तेज किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते उस कुएं के अंदर से राहुल अपना भयानक चेहरा लेकर बाहर निकलकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। दिशा और रागिनी के सामने वही टनल वाले भयानक चेहरे खड़े हुए थे। उस बूढ़े का रूप अब परिवर्तित हो चुका था। वो बूढ़ा उसी भयानक प्राणी की शक्ल में आ चुका था। कुछ ही देर में रागिनी और दिशा की चीख उस जंगल में गूंज गई।